तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज इस वीडियो को देखकर आपके हज़ारों लाखों रुपए बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे और किस तरीके से आप अपना फ्रॉड हुआ पैसा सिर्फ एक घंटे के अंदर वापस पा सकते हो, चाहे वो UPI से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, किसी भी तरीके से फ्रॉड हुआ हो आपका पैसा सिर्फ आपको एक घंटे के अंदर वापस मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो को देखकर आपके हजारों लाखों रुपए बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मुझे इतने ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं और मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे हैं कि भाई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो भाई इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं ना फ्रॉड को लेकर कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब मेरा पूरा इनबॉक्स भर जाता है, तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाता है सभी का रिप्लाई कर पाना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिसका भी रिप्लाई दूँ उसको कंप्लीट गाइड करूँ कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी लास्ट कुछ दिनों में मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि हमारे पैसे हमें एक घंटे के अंदर वापस मिल रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लगी, मेरे ही कमेंट बॉक्स में। उन्होंने बोला कि आपने कमेंट डाला है कि एक घंटे के अंदर आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो भाई मेरे लिए तो ये चीज़ शॉकिंग थी कि मैंने कहीं पर कमेंट किया कि एक घंटे के अंदर मैं आपका पैसा वापस करवा रहा हूँ। तो फिर इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने कमेंट वगैरह देखे, और वहाँ पर जिसका नाम था उसको मैंने कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बंदा इंस्टाग्राम पे था, उसने अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल का लिंक डाला हुआ था। तो मैंने उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया ये जानने के लिए कि किस तरीके से वो पैसा एक घंटे के अंदर वापस करवा देगा। और इस चीज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कि आप मुझे अपने सब्सक्राइबर का मतलब रेफरेंस दे दो जिसके साथ फ्रॉड होता है, हम उनका पैसा एक घंटे के अंदर वापस करवा देंगे। तो एज ए कस्टमर बनके मैंने उनके साथ बात की, और आपको दिखाता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस मिले या फिर नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने इसको एज ए मतलब कस्टमर बनके मैसेज किया था, बिल्कुल गवार कस्टमर जिसे इंग्लिश वगैरह नहीं आती है। मैं थोड़ा सा इसके साथ देखना चाहता था ये लेजेंड है या फिर आप लोगों के साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो जो रिजल्ट रहेगा वो जान के आप लोग भी शॉक हो जाओगे कि क्या हो रहा है असल में। तो मैंने इसको मैसेज किया हाय, तो इसने मुझे बोला हाय हाउ कैन आई हेल्प यू और वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। तो इसने मेरे को ऑडियो कॉल करने की कोशिश की, बट मैंने ऑडियो कॉल उठाई नहीं जान के, बिकॉज ऑडियो से पता लग जाता कि मैं कौन हूँ। तो मैंने इसको बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है 10,000 रुपीज़ का। तो इसने मुझसे पूछा कि भाई कितना टाइम हो गया इसके लिए, तो मैंने बोला 1 वीक, और मैंने सभी मतलब बेसिक इंग्लिश यूज़ करा था, एज ए कस्टमर मैं प्रोफेशनली नहीं बात कर रहा था, मैं बिल्कुल गवारों की तरह दिखा रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जो आपको पता है वो आप करके दो और मेरा पैसा मुझे वापस करवा दो। तो इन्हें मुझसे पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने बोला UPI से। तो ये बोला कि आप कौन सी UPI यूज़ कर रहे थे और मतलब पेमेंट प्रूफ है आपके पास, तो मैंने बोला पेटीएम से कर रहा था। तो मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट भेजा जो कि मैंने एक रियल ट्रांसफ़र किया था किसी को, मैंने वही स्क्रीनशॉट इसको भेज दिया। तो मैंने इसको बोला कि ये देखो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो ओके, उसने मुझे बोला एक मिनट वेट करो। उसके बाद मुझे एक उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैं आपकी फ़ोटो ओपन नहीं हो रही है, ना ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया गलती से। तो जब उसने मुझे इंटरफेस के साथ दिखाया ना, पेटीएम का लोगो लगा हुआ था, उसके नीचे यहाँ पे लिखा था 10,000, मेरा नाम था, रिफंड बटन का ऑप्शन आ रहा था जिस पे इसने माउस रखा हुआ था। तो ये मुझे बोल रहा है कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, हमने आपका पैसा ट्रैक कर लिया है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो उसके बाद उसने मुझे क्या बोला कि भाई आपको इसके लिए सर्वर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला क्यों, तो उसने बोला कि जिस सर्वर को हम लोग यूज़ करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए आपको सर्वर चार्जेस देने पड़ेंगे, और जब आप सर्वर चार्जेस दे दोगे तो एक घंटे के अंदर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है एक घंटे तक मैं वेट करता हूँ, मेरा पैसा वापस कर दो। तो उसने बोला कि हमें अभी सर्वर एक्सेस करना है, उसके लिए आपको 3,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो मैंने एज ए नूब बन के बात की थी, बिकॉज मैंने ऐसे दिखाया नहीं था कि मैं प्रोफेशनल इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ। मैंने बोला कि 3,000 नहीं, मेरा अमाउंट 10,000 था, मतलब एज ए जो गवारों की तरह हम लोग बात करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। तो ये बोलता है कि आपको 3,000 रुपीज़ मनी सेवर के लिए मतलब जो सर्वर फीस है वो देनी पड़ेगी। तो उसके बाद उसने बोला कि आप किस तरीके की पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने सिंपल बोला कि भाई मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, अगर बात करनी है तो हिंदी में करो, वरना मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला होल्ड ऑन ब्रो, आर यू रेडी फॉर पेमेंट। तो फिर मैं उसके पास हिंदी में आ गया था, मैं जानबूझ के देख रहा था, बिकॉज इसने मेरे को जो नंबर वगैरह दिया नीचे ना व्हाट्सअप का, ये यूनाइटेड स्टेट का फेक नंबर था, और ये दिखाना चाहता कि ये यूनाइटेड स्टेट का एक हैकर है जो मेरा पैसा हैकिंग के माध्यम से मेरे अकाउंट में वापस करवा देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसने मेरे को यहाँ पर डाला कि ये मेरा नंबर है और इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में बात कर सकते हो तो करो, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखना आगे क्या होगा इस सीन में। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हें हिंदी नहीं आती, तो उसने मुझे क्या बोला कि जब आप सर्वर के लिए चार्जेस पे कर दोगे तो आपका पैसा जो आपको रिफंड हो जाएगा। तो फिर उसने मुझे कॉल लगाने की कोशिश की,
उसके बाद उसने मुझे खुद ही मतलब थोड़े टाइम बाद रुक के अपना एक बैंक अकाउंट नंबर UPI वगैरह सब कुछ भेज दिया कि इस पे आप 3000 रुपये डलवा दो। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम था लाली और यहाँ पे अकाउंट नंबर था, IFC कोड था, UPI था, ATM था और इसके अलावा गूगल पे भी था। तो इसने मेरे को बोला कि आप 3000 रुपीज़ इस पे डलवा दो, उसके एक घंटे बाद आपको जो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ इसी बात पे था, मुझे पता था ये इंडियन है, फ्रॉड कर रहा है, तो मैंने इसे बोला भाई हिंदी में बात कर। तो इसने बोला कि जब आप पैसा दे दोगे तो आपको एक घंटे के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। तो मतलब एक ही बात पे ये रिपीट कर रहा था कि एक घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, आप पैसा दे दो दे दो दे दो। तो फिर मैंने उससे बोला भाई कौन से अंग्रेज की औलाद है, इंडियन होके तुझे हिंदी नहीं आती है? तो फिर ये मुझे बोल रहा है कि भाई इंग्लिश प्लीज़ इंग्लिश प्लीज़। मैंने बोला कि मुझे नहीं आती इंग्लिश भाई, तो आर यू मेकिंग द पेमेंट। तो फिर ये मुझे कॉल करने लगा, तो फिर मैंने कॉल काट दी। तो मैंने बोला रहने दे मुझे नहीं पता, मुझे तो भाई इंग्लिश आती नहीं ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर उसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा कि भाई पैसे भेज दो, आपको जो पैसा है आपको वापस मिल जाएगा सिर्फ एक घंटे के अंदर। ये मुझे ऐसे दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे रेडी बैठा हूँ, एक क्लिक करूँगा और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने मुझे अगेन डिटेल भेजी, तो इसने मुझे दिखाया यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट भेजा था। अब इसमें क्या था ना, यहाँ पे उसने उस रिफंड के बटन पर क्लिक किया था, उसके बाद वहाँ पे 3000 की अमाउंट दिख रही थी। तो ये दिखाना चाहता था कि मैं आपका पैसा रिफंड करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे 3000 रुपीज़ जो चार्जेस लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे 10000 के ऊपर। तो मतलब एक ट्रिकी गेम थे, मुझे नहीं पता है कस्टम सॉफ्टवेयर बनाया था या फिर एडिटिंग वगैरह कुछ की थी या किस तरीके का था। अगर ये ओपन होता तो मैं आपको दिखा देता। तो उसने बोला, मैंने पूछा क्या है ये, तो ये बोला कि आपको सिर्फ सर्वर के चार्जेस देने हैं, उसके बाद आपका जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा और आपके जो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये मुझे कॉल करता रहा, तो मेरी दिक्कत थी मैं इसे दिखाना चाहता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बिल्कुल नूब हूँ, मुझे बिल्कुल हिंदी आती है और अगर ऐसे बात करनी है तो करो अदरवाइज रहने दो, क्योंकि मुझे पता था ये फ्रॉड है तो ऐसे दिमाग खाएगा। उसके बाद देखो रहने तो नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इसने मुझे बोला कि भाई पेमेंट करो, सिर्फ पेमेंट करो, मतलब एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि पेमेंट आप कर दो। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई टुमारो मैं किसी को लेके आऊँगा जिसको इंग्लिश आएगी वो तुम्हें बात करेगा। तो उसने बोला कि भाई उसको पता लग गया था कल को कोई इंग्लिश वाला पकड़ के लेके आएगा, उसे बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड बन रहा है। तो उसने मुझे बोला कि ऑलमोस्ट आपका वर्क है वो डन हो चुका है, सिर्फ आपको पेमेंट देनी है, जिन UPI नंबरों पर पेमेंट डलवाओ उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट दिन मुझे अगेन इसका मैसेज आता है, वो क्या आता है देखिए। अब ये बंदा कंप्लीट हिंदी में आया था, इसे पता होता है कि भाई इससे पैसा निकलवाना आसान है, ये गवार बंदा है, अगर मैं इसे दो चार लाइनें समझाऊंगा तो ये पैसा दे भी देगा। तो ये देखो इसने मुझे क्या बोला कि मैं पहले से इस प्रक्रिया के बीच में हूँ और इसको सिर्फ आपको भुगतान करना होगा, भुगतान के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये कंप्लीट हिंदी पे आ गया था, ये ट्रांसलेटर वाली हिंदी नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये किसने खुद लिखी है, मतलब ये इंडिया का ही कोई था जो हमें फ्रॉड करने का कोशिश कर रहा था। तो एक बार आप भुगतान के लिए तैयार हों तो मुझे बात कर लीजिए, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। उसके बाद इसने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल नहीं पिक किया, अगेन ये कॉल पे कॉल करता रहा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आजकल हो क्या रहा है, जिन लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस तो देखते हैं, बस उन वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि हम आपका जो पैसा है वो वापस करवा देंगे। हमने ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पैसे वापस करवाए हुए हैं। जब आप उन्हें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपके साथ फेक स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करते हैं कि हमने लोगों के पैसे वापस करवाए हैं, उसके बाद आप ट्रस्ट कर लेते हो और उन्हें पैसा दे भी देते हो और ये आपसे अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। सपोज आपके साथ पहले 2 लाख का फ्रॉड हो चुका है तो 2 लाख के लिए आपसे 40 से 50 हज़ार रुपया और चार्ज कर लेंगे और जितना आपको ये ट्रस्ट दिला देंगे ना उस पर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये भी एक स्कैमर है। तो होता क्या है कि अगर आपके साथ पहले 2 लाख का फ्रॉड हो चुका है तो उसके बाद भी आप 50 हज़ार 1 लाख रुपया और गवा देते हो अपना पैसा वापस करवाने के चक्कर में। इसी तरीके से आप लोग गूगल पे जाकर रिसर्च करते हो गूगल कि हमारा पैसा कोई वापस करवा दे, वहाँ पे फेक ऐड चलती हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपका पैसा फ्रॉड हो जाता है। ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का हुआ है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमने यहाँ पे एक फॉर्म फिल किया था, उन्होंने हमसे 5000 ले लिया, 10000 ले लिया, बट उसके बाद हमें वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो भाई इस चीज़ों से आप लोगों ने बच के रहना है, कहीं पर भी अगर आपको पैसा दिलाने के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो इतनी बात समझ लो कि वो 101% स्कैमर है, उस वो आपका पैसा तो वापस नहीं करवाएगा, जितना पैसा आप एक्स्ट्रा दोगे वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा। तो ये मेरे सब्सक्राइबर के साथ इस वजह से हो पा रहा है बिकॉज मैंने मोस्टली कमेंट्स ऐसे ब्लॉक किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे ये लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, पर कुछ ना कुछ ट्रिक करके कमेंट कर लेते हैं, मैं मोस्टली डिलीट भी कर देता हूँ। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे सभी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से लोग इनके पास जाके मैसेज करके अपना पैसा गवा देते हैं। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ऐसे किसी बंदे को पैसा मत दिया करो जो आपसे ये बोलता है कि हम आपका पैसा वापस करवा देंगे 1 घंटे 2 घंटे या फिर 1 महीने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो एक लीगल प्रोसेस होता है उसे फॉलो किया करो, अगर आप बीच का रास्ता सेलेक्ट करोगे तो उससे आपके पैसे और
फंसेंगे, वापस तो मिलेंगे नहीं बट फंसेंगे। जो पहले वाला पैसा है उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट आप बाद में और पैसा भी फंसा लोगे। तो वही बात हो जाएगी, एक बार आपने ठोकर खाई और दोबारा भी वही सेम चीज़ कर रहे हो। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। कोई भी आपका पैसा एक घंटे के अंदर वापस नहीं करवा पाता, इसका जो लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके ही आपका पैसा आपको वापस मिलता है। तो यही चीज़ आज की वीडियो में बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मैं इसीलिए ये बोल रहा था कि इससे आपके हज़ारों लाखों रुपये बच जाएंगे, बिकॉज लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़े लोगों को गलत लग सकती है, बिकॉज यहाँ पे थंबनेल कुछ और था और अंदर कुछ और बता रहा हूँ, बट यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था। बिकॉज इस तरीके के ट्रिक्स देख के लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना हज़ारों लाखों रुपया गवा देते हैं। कुछ लोग तो इसके लिए 50% तक भी चार्ज करते हैं। आपका 2 लाख का फ्रॉड हुआ तो आप 1 लाख रुपये में दो, आपका 2 लाख रुपये वापस करवा देंगे। इस तरीके से भी लोग पे कर देते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा यकीन दिलाया जाता है कि लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना। इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने, और कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो इंस्टाग्राम पे मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के रिप्लाई देने के लिए, और कुछ ना कुछ ट्रिक लगाता हूँ कि मैं आप सभी का रिप्लाई दे पाऊँ। बिकॉज अगर आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो, सही तरीके से कंप्लेंट को करते हो, सही वे को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर आपके चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं पैसा वापस होने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.